हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में फिर से गाइस जीरा गोल्ड के ऊपर बताने वाला हूँ कि भाई पैसा मिलेगा या फिर नहीं। मतलब पैसा मिलने पर क्या कह रही हैं, पैसा कब तक मिल पाएगा, कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। इस गाइस समय ज़्यादा हो चुका है और गाइस यहाँ पर आप समझ सकते हैं इन्वेस्टर को पैसा नहीं दिया जा रहा है, मतलब अपडेट भी नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल के लिए। वरना गाइस यहाँ पर इन्वेस्टर को तो एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर के माइंड में यही चलता रहता है हर बार कि भाई पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, पेमेंट कब तक मिलेगा। यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन क्लियरली ये कोई नहीं बता पाएगा कि भाई आपको पेमेंट कब तक मिलेगा। कंप्लीट जानकारी दूंगा आज की इस वीडियो में और कहीं यहाँ पर बताऊंगा कि भाई पेमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो यार वीडियो को लाइक अभी कर देना है और हमारे चैनल पहली बार है यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने में आपका बिल्कुल भी कुछ नहीं जाता, रेड कलर का बटन दिख रहा है इसको दबा देना है यार। तो गाइस बिना टाइम से करते हैं वीडियो को वॉच। तो आप लगा सकते हैं कि भाई डॉक्टर नर्स एक ने मतलब इतने दिनों से आपको बोल रहे हैं कि भाई हम पेमेंट देंगे, लेकिन जितने भी इसके फैसले होते रहे गाइस वो भी रद्द होते रहे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई, कुछ में सुनवाई नहीं हो पाई और कुछ में हुई तो गाइस वो भी सुनवाई किसी काम की नहीं हुई। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी दो चार बातें होती हैं, वो भी प्रॉपर्टी सेल होने की, सुप्रीम कोर्ट में भी डेट बढ़ा दी जाती है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट वाले भी क्या कर रहे हैं। इन्वेस्टर के आप लगा सकते हैं कंपनी को 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं और यार पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, बहुत दुख की बात है। कुछ इन्वेस्टर दुनिया से जा चुके हैं जिनका पेमेंट था और कुछ ये सोच रहे हैं कि भाई पेमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो भाई आपका जो पेमेंट है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन जो ये समझ में नहीं आ रही बात भाई पेमेंट कब तक मिलेगा, ये गाइस पीछे से कोई डेट निकल कर अभी तक कोई आई नहीं है, ना ही गाइस का पता है कि भाई पेमेंट कब तक मिलेगा। पेमेंट मिलने की अभी कोई बात ही नहीं करी जा रही है, मतलब वही करते रहती है। हमारे जो ऑफिस हैं वो खुल चुके हैं, हमारे जितने भी काम करने वाले हैं वो आपको पेमेंट दे रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करी जाती हैं और पेमेंट के रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दिया जाता कि भाई पेमेंट कब तक मिलेगा। अभी कोई गाइस क्लियरली पता नहीं कि भाई पेमेंट मिलने में कितना समय लगे, 2022 ख़त्म हो जाए, 2022 के अंदर मिल जाए, कोई गाइस कोई पता नहीं है अभी तक। तो गाइस यहाँ पर आपको मैं एक ही बात बताऊँगा कि भाई वेट करते रहो, जब तक कंपनी पैसा नहीं देगी जब तक गाइस यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कंपनी के हाथ में सारा पैसा देना और गाइस सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वैसे ही कंपनी करेगी। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा अभी कोई पीछे से डेट निकल कर नहीं आ रही है कि भाई पेमेंट जब तक मिलेगा, अभी कोई दूर तक पता नहीं है। यूट्यूब पर कुछ बंदे आपको प्रूफ दिखाते हैं लेकिन उनको पेमेंट मिला था, अभी कोई पता नहीं है पेमेंट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक महीने का वादा हुआ था, एक महीने के अंदर हम आपको 20% आपके अकाउंट में पेमेंट पहुँचा देंगे, लेकिन एक महीने के अंदर वो भी नहीं हो पाया। मतलब पिछले साल बोला था, पिछले साल रमज़ान चल रहे थे, बताए थे कि रमज़ान के पहले तो हम आपको पेमेंट दे देंगे, लेकिन ईद तक भी पेमेंट नहीं मिल पाया। उसके बाद इन वाले रमज़ान में बताए थे कि एक महीने के अंदर हम आपको 20% पैसा दे देंगे, वो भी नहीं हो पाया। और अभी कोई पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब होगा, कोई डिटेल में नहीं, मतलब अपडेट भी नहीं मिल रहा है। जब तक अपडेट नहीं मिलेगा आपको जानकारी भी नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई वेट करते रहो और देखते हो भाई कंपनी कब तक पैसा दे, कब तक ना दे, कंपनी के हाथ में पेमेंट देना। और जो गाइज उनका ऑफिस है गाइज वो सभी कुछ ओपन है, आप इनसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो छोटा सा कमेंट कर देना है इसके ऊपर, मैं आपको मतलब वीडियो बना कर दे दूँगा, आप उनसे कॉल पर बात कर सकते हैं। और आप मेल करना चाहते हैं मेल भी आराम से कर सकते हैं। तो भाई सभी इन्वेस्टर को यही लगने लगा था कि भाई कंपनी फ्रॉड कर रही है, पता नहीं गाइस कोई अभी पता नहीं है पेमेंट कब तक मिले। मैं आपसे यही बता रहा हूँ, आपको कोई भी बोले कि भाई पेमेंट जब मिलेगा किसी का यकीन मत करना, अभी कंपनी मतलब अपडेट भी नहीं दे रही है। जितने भी इन्वेस्टर उनको एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने इन्वेस्टर हैं वो यही सोचते हैं कि भाई कंपनी पैसा क्यों नहीं दे रही, यही डाउट चलता रहता है उनके महीने। भाई आप समझ सकते हैं कंपनी के पास 5500 करोड़ रुपए है, 5500 करोड़ रुपए एकदम से मामूली बात तो नहीं है देना, लेकिन बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। 4 साल बहुत होते हैं भाई, 4 साल आप लगा सकते हैं। जो ओल्ड इन्वेस्टर थे उन्होंने तो कुछ प्रॉफिट लिया, जो न्यू इन्वेस्टर आए थे गाइस वहाँ पर फंस गए जब भी कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों करा पैसा देना बंद, ये कोई पता नहीं है। तो गाइस जैसी कोई अपडेट निकल कर आएगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यार वीडियो को अभी लाइक कर देना है और हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।